तो हम लोगों ने अभी तक जो बात की कि शिक्षा में क्या भूमिका है, तो मानव के में समझ संबंध सुविधा इन तीनों के ऊपर बात की और उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है उसके बारे भी बात की। अब हम लोग स्वान्वेषण की प्रक्रिया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया अर्थात स्वयं में जांच परख की प्रक्रिया को और सुख और समृद्धि को समझने का काम करेंगे। तो तीन चार बिंदुओं पर बात होगी। एक तो स्वान्वेषण की प्रक्रिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेल्फ एक्सप्लोरेशन के नाम से भी प्रयोग करते हैं, अर्थात उसका मतलब यह है कि स्वयं में जांच परख को करने का क्या प्रक्रिया होगा वो, और उसमें भी सहज स्वीकृति के बारे में थोड़ी बात। और जैसा सुबह बात हो रही थी कि सुख क्या है, समृद्धि क्या है, इनको हम समझ सकते हैं कि नहीं, इनको समझने का काम, इतना हम लोग इस सत्र में करने का प्रयास करेंगे। तो पहले स्वान्वेषण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक करके बाकी मुद्दों पर बढ़ेंगे। तो जैसा मैं सुबह से ही इस बात को कह रहा हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं वो एक प्रस्ताव है, आप इसे जांचे माने नहीं ना, और वो जांच भी आप स्वयं के आधार पर करें, स्वयं में भी अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर। अगर जांच में बात गलत साबित हो गई तो बात यही खत्म हो गई, और अगर जांच में आपको लगा कि नहीं जो प्रस्ताव है वो तो आपको सहज स्वीकार है, वो तो आपको सही लग रहा है, सहज स्वीकार है, तो अगर प्रस्ताव सहज स्वीकार लग गया तो जांच अभी खत्म नहीं हुई। अब जांच का दूसरा भाग शुरू हुआ कि जो प्रस्ताव हमको जांच में सही लगा अब हम उसको जी करके देखेंगे। जी करके देखने में दो भाग है, एक हम व्यवहार में जी करके देखेंगे किसी मानव के साथ, दूसरा कार्य में जी करके देखेंगे प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ। अगर व्यवहार में उस प्रस्ताव को जीते हुए मैं भी सुखी हो रहा हूं और दूसरा भी सुखी हो रहा है, अर्थात उभय सुख हो रहा है, तब तो ये प्रस्ताव सही है, और अगर उभय सुख नहीं हो रहा है तो ये प्रस्ताव सही नहीं है। ऐसे ही उस प्रस्ताव को जो हमें सहज स्वीकार दिखा, जीने गया और वो कार्य से जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति के साथ कार्य करने में मैं भी समृद्ध हो रहा हूं और प्रकृति भी समृद्ध हो रही है, तब तो वो प्रस्ताव ठीक है, अन्यथा वो प्रस्ताव ठीक नहीं है ना। तो दो टेस्ट हैं अगर आप देखें तो इस स्वान्वेषण की प्रक्रिया में, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया। आपने प्रस्ताव को सुना, सुनकर के ही काम खत्म नहीं हुआ, आपने स्वयं में जांचा कि वो आपको सहज स्वीकार है या नहीं। अगर सहज स्वीकार नहीं है तब तो प्रस्ताव खत्म हो गया, गलत हो गई प्रस्ताव, लेकिन सहज स्वीकार है ऐसा दिख गया आपको, सही ऐसा लग गया कि सहज स्वीकार है, तो भी जांच खत्म नहीं हुई है, पहला जांच हुआ। दूसरा जांच हम यहां से कहां जाएंगे, जी के देखेंगे। जी के देखने में मानव के साथ व्यवहार में, शेष प्रकृति के साथ कार्य में, अगर उससे दोनों सुखी हो रहे हैं और दोनों समृद्ध हो रहे हैं तो ये प्रस्ताव आपके लिए ठीक है, वही आपके सही समझ का हिस्सा बन जाता है। ये दोनों जगह आपने जांच के देख लिया है ना। भानु भी है, मुझे लगता है थोड़ी देर पहले कुछ वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हुई, तो अगर एक बार फिर से उस बात को रखें, मैं रिपीट देता हूँ, अभी ठीक आ रही है। तो हमने ऐसा कहा था कि जो भी हम लोग कह रहे हैं वो एक प्रस्ताव है, आप जांचे इसको माने नहीं, और वो जांच भी आपकी अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर। तो उसी बात को हमने लिखा यहाँ कि हम लोग एक प्रस्ताव दे रहे हैं आप लोगों को, आपसे अपेक्षा है कि आप उसकी जांच करें अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर। ये जांच का पहला हिस्सा है। अगर जांच में सही दिख गया तो जांच का दूसरा हिस्सा शुरू होगा कि आप उसे जी करके देखें, व्यवहार किसी मानव के साथ और यदि उसमें उभय सुख हो रहा है, कार्य शेष प्रकृति के साथ और यदि उसमें उभय समृद्धि हो रही है, तो प्रस्ताव दूसरे टेस्ट से भी पास होता है। अब अगर दोनों टेस्ट से पास हुआ, सहज स्वीकार भी है, जीने में उभय सुख और उभय समृद्धि भी हो रही है, तब जाकर के ये प्रस्ताव हमारे लिए समझ बन जाता है, अर्थात हम कह पाते हैं कि हमको ये समझ में आ गया, यही सही है, इसको अब हम आजीवन जिएंगे। ये जांच की प्रक्रिया, इसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन या स्वान्वेषण कह रहे हैं। हम लोग इस पूरी कार्यशाला को इसी प्रक्रिया से जांच कर चलाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मैं एक दो लोगों से पूछ के देखता हूं कि इस विधि से जांच परख करना, अध्ययन करना, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जी राकेश जी, राम शंकर जी, मौसमी अरोड़ा जी,
क्या लगता है, इस विधि से अध्ययन करना ये ठीक है नहीं ठीक है? जी, आप चारों लोगों में से अगर किन्हीं का माइक फोन होता है। जी राकेश जी, जी सर ये ठीक है, ये ठीक लगता है इसमें बिल्कुल कोई? ठीक है सर। माने हाँ जी जी बताएं, आप बात पूरी करें। हाँ, मानव के साथ अगर अपना व्यवहार अगर अच्छा रहेगा और उसे भी अगर कुछ फायदा मिलेगा तो अपन कह सकते हैं कि उभय सुख के ओर अपन जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर सेठ प्रकृति के साथ जो कार्य करेंगे अपन, वो चाहे मानव हित में हो चाहे प्रकृति हित में हो, तो भी कहेंगे कि नहीं यार उभय समृद्धि की ओर अपन जा रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में और आज के समय में प्रकृति के साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करना चाहता है। बढ़िया, तो अगर ये विधि ठीक लगती है तो इसको एक दो उदाहरण के साथ मैं इसको चर्चा करके फिर आगे बढ़ूंगा, एक दो लोगों के प्रश्न या उनके ऑब्जर्वेशन को सुनकर। जी भैया, जी बताएं। ये विधि बिल्कुल सही है और इसको मैं जी भी रही हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। जी जी तो इस विधि में देखें तो जैसे उदाहरण दिया था सुबह कि जी हमको सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान सहज स्वीकार है, तो जांच जी कर भैया, सहज स्वीकृति से क्या उत्तर मिलता है? जी सम्मान स्वीकार है, लेकिन ये भी मुझे स्वीकार है कि यदि मैं अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रही हूँ और उसमें मेरा अपमान भी हो जाता है तो वो मुझे अपमान नहीं लगता है। मैं मान तो और अपमान दोनों के लिए तैयार रहती हूँ यदि मैं सही कर रही हूँ तो। हाँ, तो झेलना चाहे जो पड़े, लेकिन सहज स्वीकार क्या है, अपमान या सम्मान? सहज स्वीकार सम्मान है। तो प्रस्ताव जो आया कि सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान, तो उत्तर आया सम्मान सहज स्वीकार है, अर्थात पहले टेस्ट से तो पास कर गया। अब हम उसको जी करके देखते हैं, तो सम्मान व्यवहार का मुद्दा है तो मानव के साथ सम्मान को व्यक्त करेंगे। तो जब भी हम सम्मान के भाव के साथ दूसरे मानव के साथ जीते हैं तो हम सुखी होते हैं दुखी होते हैं? बहुत सुखी होते हैं सुखी जब होते हम हैं। दूसरों। हाँ जी और जिसके साथ सम्मान को व्यक्त कर रहे हैं दूसरा व्यक्ति सुखी होता है कि दुखी? बहुत सुखी होता वो है भी सुखी होता है। दोनों सुखी हुए तो क्या कहा, उभय सुख हुआ, जी। है ना? तो अर्थात ये जो सम्मान हमको सहज स्वीकार है संबंध में, ये प्रस्ताव हमको ठीक लगता है। हाँ जी ये जांच इस विधि से होगा? जी बिल्कुल। हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही किसी और, किस और कुछ कहना चाहती हैं आप? जी प्रकृति के साथ भी जो हम सम्मान देते हैं प्रकृति को, उसका आभार व्यक्त करते हैं, तो उससे हम भी सुखी होते हैं और प्रकृति में भी हमें सुख का अनुभव दिखाई भी देता है। चाहे वो पशु पक्षियों के रूप में भी यदि हम उनको कुछ खिला पिला रहे हैं, उनका काम उनको उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमें तो सुख मिलता ही है, लेकिन उनकी भी आंखों में आप देखो कितना अपनापन लगता है। और ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी होता है, यदि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो वहाँ ऐसे ऐसे पक्षी इकट्ठे होते हैं सुबह सुबह, इतनी सुंदर आवाजें आती हैं, तो ये सब हमें बहुत सुख देते हैं। और पेड़ पौधों की हरियाली से इस समय मानव ने महसूस भी कर लिया, जिन कॉलोनीज में पेड़ पौधे नहीं थे वहां पे कितना कोरोना का। जी जी रश्मि जी, आपका माइक डिसेबल हो गया था। सर वो किसी का कॉल आ गया था। अच्छा, हाँ तो हम यदि सुख दे रहे हैं तो सुख पहले हमें ही मिलता है और बाद में फिर सामने वाले को, चाहे वो प्रकृति हो चाहे मानव हो। तो उभय सुख उभय समृद्धि आप कह रही हैं? जी 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 बढ़िया ठीक। अब थोड़ी सी और लोगों के साथ भी बात कर लेते हैं, फिर आपके साथ करेंगे चर्चा आगे। तो इस तरह से जांच किया जा सकता है ना? एक और उदाहरण, जैसे सुबह बात कर रहे थे हम लोग, है ना, एक और उदाहरण नया ले लेते हैं कि हमको अब शरीर का पोषण सहज स्वीकार है कि शोषण सहज स्वीकार है, तो क्या उत्तर आता है? पोषण सहज स्वीकार है, है ना? अब हम प्रकृति के साथ जीते हुए, है ना, हम इस तरह से जीने का कार्य का मॉडल बना सकते हैं जिससे कि हमारे शरीर की समृद्धि भी हो सके और प्रकृति की समृद्धि भी बनी रहे, है ना? तो अगर हमको कितना खाना है अगर ये तय कर पाते हैं, है ना,
और शरीर के पोषण के अर्थ में क्या खाना है ये सब तय कर पाते हैं, तो प्रकृति से उन चिन्हों को हम उत्पादन भी करते हैं और उसका प्रयोग करके हम भी समृद्ध महसूस करते हैं, प्रकृति की समृद्धि भी बनी रहती है। तो इस विधि से हम लोग जांच परख कर सकते हैं, तो ये विधि है। अब मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ा देता हूँ, इस पर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। दिलसाद भैया, किसी का कोई प्रश्न हो तो देख लें जांच की प्रक्रिया के संदर्भ में। जी, तो मैं देख लेता हूँ भैया। तो जी अगर पाल जी, जी जी भैया, साक्षी सहारे जी, हाँ जी ठीक जी, साक्षी जी आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट हुआ है। जी 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 सर, जी सर नमस्कार सर। मेरा प्रश्न ये है, लास्ट टाइम मार्च में हमें कोरोना हो गया था और उस समय संबंधों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला और उनकी छाप ना दिमाग पर छूट गई है, इसे कैसे हटाया जाएगा? जी तो प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है हमको। मैंने कहा लास्ट मार्च में मुझे कोरोना हो गया था, मैंने मेरी पूरी फैमिली को हो गया था और उस समय संबंधों को बहुत ध्यान से देखने का मौका मिला। ऑब्वियसली उस समय हमने कुछ ऐसा देखा जिससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। अब वो तो दिमाग पर छूट गई है सर। आप ये कहना चाह रही हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप बताइएगा कि उस काल में जब आपका पूरा परिवार एक संकट से गुजर रहा था तो आपको कुछ संबंधियों से कुछ अपेक्षाएं रही होंगी जो कि सही है और वो लोगों ने उसको नहीं पूरा किया, तो वो जो नहीं पूरा किया उसकी घुटन अपने अंदर बन गई है और बिल्कुल तंग करती है, रह गई है। जब भी कभी इस तरह की बात आती है ना कि संबंध वो करने हैं तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि मेरी 5 साल का बेटा ले जाने में तुम्हें तकलीफ थी, आज मैं किस संबंध को निभाऊं। मतलब इस तरह की चीजें मन में बैठ गई हैं सर, जो कहीं ना कहीं मुझे ही तकलीफ दे रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने बाद में लाइन कही ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ना, कि संबंध के बारे जो निष्कर्ष निकाल के हमने अपने कल्पना में अपने विचारों में बिठा लिया है, वो दूसरे को तकलीफ दे रही है कि नहीं दे रही है उसका हिसाब किताब तो दूसरा करेगा, लेकिन सबसे अधिक तकलीफ किसे दे रही है, वो मुझे ही दे रही है। ये जो बात अपने ध्यान में आ गई ना कि मुझे उससे तकलीफ मिल रही है, तो फिर उपाय आदमी सोचना शुरू करता है कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि हम उस तकलीफ से बाहर निकल सके। तो उसको डिटेलिंग तो हम लोग आगे जब चलेंगे तो संबंध में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ एक इशारा कर दूंगा उस पर कि सिंपल जांचते रहे जो भी हमने निष्कर्ष बनाया है कि ये निष्कर्ष मेरे को सहज स्वीकार है क्या, इस प्रश्न को बार बार उठाते रहे जब भी वो दुख आए। और ये निष्कर्ष बनाया किसने है मेरे भीतर, मैंने स्वयं ने बनाया है कोई और आदमी मेरे भीतर बना गया है, तो दो बात की अगर आप जांच करेंगे तो जो गांठ बन गई है वो खुलनी शुरू हो जाएगी, है ना। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने बात फिर रिपीट कर दूं इसको, एक तो ये कि जो भी निष्कर्ष मैंने अपने भीतर बना लिया है संबंधों में, वो निष्कर्ष मैंने खुद बनाया है या किसी और ने बना के मेरे भीतर डाल दिया है, क्या लगता है? आपने बनाया है किसी और ने बना के डाल दिया है? सर मैंने बनाया है। मैंने ही बनाया है। और वो जो मैंने बनाया है वो मुझे सहज स्वीकार है कि नहीं, उसको भी जांचिए। अगर जो सहज स्वीकार है तो एक स्थिति होगी, अगर जो सहज स्वीकार भी नहीं है और मैंने बना लिया है, तो अगर एक तरह का बना लिया है तो मैं उसको बदल भी सकती हूँ, है ना। तो धीरे धीरे वो गांठ खुलेगी। ये दो जांच थोड़ा शुरू करते रहिए, फिर एक दो दिन बाद जब संबंध पे थोड़ी और बात होगी, खास तौर से ममता पर और वात्सल्य पर, इन सब भावों पे, है ना, तो फिर आपके प्रश्न को और ठीक से हम वहां पर कोशिश करेंगे एड्रेस करने का। तब तक आप ये दो प्रयोग को अगर जारी रखें तो उस तब तक कुछ सार्थक निष्कर्ष आगे निकल पाएगा। जी जी सर, थैंक यू सर। जी सर, जी जी, बढ़िया। तो हम लोग अभी जो पीछे बात कर रहे थे कि जांच की प्रक्रिया में सहज स्वीकार है कि नहीं, तो इस सहज स्वीकृति को समझने के लिए, है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ने से ले लेना चाहूंगा, लोगों के चैट विंडो पे बल्कि लेना चाहूंगा कि
हमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनमें सहज स्वीकृति भी है, जिनको लगता है वो यस टाइप कर सकते हैं। हमें से कितने लोग ये महसूस करते हैं कि उनमें वास्तव में सहज स्वीकृति है, और अगर किसी को लगता है नहीं है तो वो नो भी टाइप कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे तो ज्यादातर लोगों का उत्तर यस में है। इनफैक्ट कितने उत्तर आए होंगे आई डोंट नो, बट ये 40-50-60 से ऊपर ही होंगे। 60 में एक या दो लोगों के उत्तर नो में भी आए हैं, ज्यादातर लोगों के यस में आए। तो जिनको भी लगता है कि सहज स्वीकृति उनके अंदर है, और तो क्या वे पहचान पाते हैं कि ये सहज स्वीकृति है और ये सहज स्वीकृति नहीं है, ये सब प्रश्न है। अगर उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये सहज स्वीकृति है, तो क्या वो निश्चितता से कह पाते हैं कि ये उसके इंडिकेटर है इसलिए ये सहज स्वीकृति है ना, और ये इंडिकेटर नहीं है इसलिए ये सहज स्वीकृति नहीं है। इस तरह का कुछ डिसिसिव एक निर्णायक पहचान कर पाते हैं कि नहीं, या उनमें भ्रम बना रहता है कि ये भी सहज स्वीकृति हो सकती है, वो भी सहज स्वीकृति हो सकती है ना। इन प्रश्नों के साथ मैं थोड़े कुछ सहज स्वीकृति के उदाहरण आपके साथ चर्चा करता हूं, जिससे कि सहज स्वीकृति को पहचानना आसान हो जाए। जी, तो सहज स्वीकृति और स्वीकृति दो तरह के शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो स्वीकृति है कि हम बहुत सारी चीजों को स्वीकारे रहते हैं, जैसे कि भाई लोगों का अपमान नहीं करेंगे तो लोग जो है हमारे ऊपर हावी होते चले जाएंगे, है ना, ये हमारी स्वीकृति हो सकती है। तो अपमान तो करना ही पड़ेगा, विरोध नहीं करेंगे तो लोग फिर संभलेंगे नहीं, लोग हमको दब्बू बना के दबाते चले जाते हैं, है ना? तो विरोध भी करना जरूरी है, ये हमारी स्वीकृति है, है ना? लेकिन सहज स्वीकृति पूछेंगे कि भाई सम्मान सहज स्वीकार है कि अपमान, तो उत्तर आता है सम्मान, है ना। हम दूसरे का विरोध करना हमको सहज स्वीकार है कि संबंध पूर्वक जीना सहज स्वीकार है, तो उत्तर आता है संबंध पूर्वक। अब आप इसको देखेंगे ना कि दब्बू बना देंगे लोग हमको, अपमान तो जरूरी है, ये दूसरों के दबाव या प्रभाव में हम स्वीकार लेते हैं कि भाई कहीं बहुत है ना, एक तरह से डोमिनेट करने का कुछ सिस्टम बन गया है तो वहां हमने बना लिया है कि भाई उसका विरोध तो करना पड़ेगा, तो ये प्रभाव में है या दबाव में है। लेकिन जब सहज रूप से उसको देखते हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के, अर्थात ऊपर से इस तरह का कोई दबाव भी नहीं है, कोई प्रभाव भी नहीं है, हमको बिल्कुल सहज रूप से निर्णय लेना है कि हमको क्या स्वीकार है, तब तो हमको सम्मान ही सहज स्वीकार होता है, संबंध ही सहज स्वीकार होता है। दबाव प्रभाव में कई सारी चीजें हम ऐसा स्वीकारने को मजबूर हो जाते हैं जो हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं होता है। तो उन सबको क्या कहा, स्वीकृति कहा। तो स्वीकृति और सहज स्वीकृति में थोड़ी भिन्नता है। स्वीकृति परिस्थिति बस, स्थिति बस, अभ्यास बस, मजबूरी बस, नासमझी बस बन सकती है, लेकिन सहज स्वीकृति सहज रूप से बिना दबाव प्रभाव के स्वतंत्रता की स्थिति है। इसके कुछ उदाहरण बताता हूं, ये तो कॉन्सेप्चुअल बात है। उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने अभी पूछा कि संबंध सहज स्वीकार है कि विरोध सहज स्वीकार है, तो क्या उत्तर आया, संबंध। थोड़ा और उदाहरण लेते हैं, जैसे भोजन को ही देखें आप, तो कई बार भोजन आप स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके भी करते हैं, कई बार भोजन आप स्वाद को ध्यान में भी रख के करते हैं, उस समय स्वास्थ्य के बारे भूल जाते हैं। तो क्या भोजन करना है, कितना करना है, कई बार स्वास्थ्य को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, कई बार आप स्वाद को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं, लेकिन दोनों में सहज स्वीकार क्या है, स्वास्थ्य के लिए भोजन या स्वाद के लिए भोजन, क्या उत्तर आता है। तो कुछ लोगों के माइक को थोड़ा ऑन कर देंगे भैया, हाँ, रमा शंकर जी का और राकेश वर्मा जी का माइक अगर ऑन हो जाए तो हम लोग संवाद कर सकते हैं। कैलाश जी का भी माइक ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं आपके जी, राकेश जी, रमा शंकर जी भी ऑन कर सकते हैं अपने माइक को। हेलो जी सर। हाँ, तो सर जी, तो जैसा मैंने कहा कि भोजन को अगर देखें तो भोजन तो हम स्वास्थ्य के लिए भी चुन सकते हैं और स्वाद के लिए भी चुनते हैं,
लेकिन सहज रूप से दोनों में से भोजन किसके लिए है, क्या सहज स्वीकार है, क्या लगता है आप लोगों को दोनों लोगों का? सर स्वाद के लिए तो नहीं चुन सकते, स्वास्थ्य के लिए चुन सकते हैं जी, क्योंकि स्वाद तो है, और अगर किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी हो तो और वो चाहे लाख स्वाद लेना तो नहीं ले सकता, इसलिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जी जी, तो सहज स्वीकृति तो निश्चित है कि स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हम कई बार स्वीकृति हमारी आती है तो हम स्वास्थ्य के लिए भी भोजन का चुनाव कर लेते हैं, और कई बार जब स्वास्थ्य ठीक है हमारा तो ऐसा लगता है चलो स्वाद वाला भी कर लेते हैं। यही कहना चाह रहे राकेश जी? राकेश जी, रमाशंकर जी, हाँ सही बात है सर ये, क्योंकि स्वास्थ्य मायने जरूरी है पहले। सहज स्वीकृति निश्चित है कि बदलती है? सर बदलती रहती है, ये जो बदल रही है वो स्वीकृति है कि कई बार हम स्वास्थ्य के लिए चुनाव कर रहे हैं, कई बार स्वाद के लिए, तो ये हमारी स्वीकृति है ऊपर देखे। लेकिन दोनों ही अर्थ में, चाहे आप इस अर्थ में भोजन चुने या इस अर्थ में, सहज स्वीकृति क्या रहती है कि भोजन किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अभी सर अभी हम लोग इसी एक चीज पे एक्टिविटी करने वाले हैं मेरे गाँव में, ताकि हम लोग उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जाए। तो अभी यहाँ थोड़ा ठीक से देख लें कि हमको स्वीकृति और सहज स्वीकृति में अंतर स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो कई बार आप देखेंगे ना कि हम भोजन को स्वास्थ्य के लिए भी चुन रहे होते हैं और कई बार स्वाद के लिए भी, तो ये जो चुनाव कर रहे हैं ये स्वीकृति है, लेकिन दोनों में सहज स्वीकार क्या होता है जी? रमाशंकर जी, कैलाश जी, आप लोग माइक, रश्मि मैडम आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो जी भैया। हेलो। भोजन तो स्वास्थ्य के लिए ही उचित होता है, ये सहज स्वीकृति है और ये बदल नहीं सकता है कभी भी। और जैसा कि स्वीकृति में कभी कभी कि स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तो स्वाद के लिए कर लेते हैं, ये स्वीकृति में आता है, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। और इसी तरह संबंधों का भी जो पॉइंट लिखा हुआ है वो भी संबंध हम हमेशा अच्छे चाहते हैं सबसे, ये सहज स्वीकृति है। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई मान्यता संवेदना या कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो संबंध खराब भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती है। कैलाश जी कुछ कह रहे थे, बीच में बात रह गई थी, रमाशंकर जी भी कुछ कह रहे थे इस पर जी। कैलाश जी, रमाशंकर जी, जी कैलाश जी। हाँ सर, क्या होता है सर, जब हम यदि स्वाद के लिए स्वीकृति करते हैं तो उसके परिणाम कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत पड़ता है, इसलिए हमको सहज स्वीकृति अपनाना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो यहाँ पर कहना चाहिए कि हमको सहज स्वीकृति की ओर बढ़े तो ज्यादा अच्छा है सर जी। तो सहज स्वीकृति को पहचान पा रहे हैं? जी जी जी। तो मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ, फिर बाकी लोगों से भी बात करते हैं। जैसे कई बार हम मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल हम इस बात को ध्यान में रख के खरीदते हैं कि संवाद करना है आपस में, और कई बार मोबाइल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दोस्त का मोबाइल मेरे मोबाइल से बड़ा हो गया है, तब मेरे पास उससे बड़ा होना चाहिए, नए मॉडल का होना चाहिए, नए डिजाइन का होना चाहिए, तो सम्मान खरीद रहे होते हैं। तो मोबाइल खरीदने की घटना को देखें तो लोग दोनों ही कारण से खरीदते होंगे, है ना? लेकिन दोनों में से कौन सा वाला सहज स्वीकार लगता है सर? जी जी कैलाश जी। जी हाँ सर, जो हम संवाद की दृष्टि से खरीदे वो उचित लगेगा सर, वो सहज स्वीकार लगता है, क्योंकि हाँ यदि हम उसको देखें कि हम वो जो दुकानदार है हमको जमाने भर की उसके फंक्शन बताएगा, वो बताएगा, उनने कहा ये स्वीकार कर लो, लेकिन हमको तो केवल संवाद के लिए चाहिए, तो हमको यदि हमारी इच्छा में है तो हम उसको सहज स्वीकार करेंगे जी। तो सहज स्वीकृति तो निश्चित है, भोजन स्वास्थ्य के लिए, मोबाइल संवाद के लिए, लेकिन स्वीकृति को देखने जाए तो स्वास्थ्य के लिए भोजन हो सकता है, स्वाद के लिए भी हो सकता है, मोबाइल को देखने जाए तो संवाद के लिए भी हो सकता है और सम्मान के लिए भी हो सकता है। तो क्या हम सहज स्वीकृति और स्वीकृति में अंतर को देख पा रहे हैं?
सर मैं बोल सकती हूँ? मैं जो जी 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 जो जी नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक बार फिर से आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। मैंने भोपाल में आपकी कार्यशाला ज्वाइन की थी। जी जी तो, जी तो अभी यहाँ जो प्रश्न उठ के आया है सह स्वीकृति का, भोजन भी स्वास्थ्य के लिए जब हम करते हैं तो वो हमारा सह स्वीकृति में आता है, मोबाइल भी जब हम खरीदने जाते हैं तो उसमें संवाद के लिए जब हम खरीदते हैं, इस दृष्टि को ध्यान में रख के खरीदते हैं तो वो हमारा सहज स्वीकृति में आता है। बाकी तो स्वीकृति है जो बदलती रहती है, लेकिन सहज स्वीकृति जो है वो हमेशा एक ही रहती है, मेरा ऐसा समझ में आया मुझे। जी थैंक यू। बढ़िया ज्योत्सना जी। जी और कुछ के लिए एक दो लोगों का ऑब्जर्वेशन। नमस्ते, मैं रामशंकर बोलना चाह रहा था। जी रामशंकर जी। हाँ नमस्ते। सर सहज स्वीकृति। हाँ सर नमस्ते। वास्तव में सर समय के अनुकूल इसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सहज जो स्वीकृति है वो है स्वास्थ्य। जी स्वास्थ्य आवश्यक है, लेकिन जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं और हमें कोई रोग नहीं रहता है तो सर स्वाद पर भी मस्तिष्क चला जाता है, फिर हम स्वाद के हिसाब से भोजन करना या चटपटा या तीखा तरफ जाता है। यदि हमें सर्दी जुखाम खांसी हुआ है तो दही हमें बहुत प्रिय है, लेकिन दही सामने रहता है लेकिन सर्दी जुखाम है, लेकिन परिस्थिति ऐसी रहती है कि हम फिर स्वाद का ध्यान नहीं देते क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सहज स्वीकृति सर अपना स्वास्थ्य हो जाती है उस समय। जी जी तो स्वीकृति को देखेंगे तो स्वीकृति तो बदल सकती है स्थिति परिस्थिति के कारण, लेकिन सहज स्वीकृति दोनों में निश्चित बनी रहती है ना? तो ये भी स्थिति परिस्थिति बदल सकती है, ये स्वीकृति है, लेकिन सहज स्वीकृति तो निश्चित बनी रहती है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी रमाशंकर जी। चलिए रमाशंकर जी शायद उपलब्ध नहीं है। तो इतनी बात हमको स्वीकृति और सहज स्वीकृति के संदर्भ में करना था, तो हम लोग थोड़ा इस पर जांच परख अपना जारी रखें कि वास्तव में हम में सहज स्वीकृति है या नहीं, और सहज स्वीकृति को हम पहचान सकते हैं कि नहीं। जो भी प्रश्न होंगे सहज स्वीकृति को लेकर के कल उस पर बात करेंगे, और इस सहज स्वीकृति शब्द को हम आपके बहुत सारे जो भी होंगे क्वेश्चंस उसको बार बार हम उसको रेफरेंस में लाकर उस पर चर्चा करते रहेंगे।